अयोध्या में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया है। 26 दिसंबर को अयोध्या जिले के बाबा बाजार क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा अयोध्या पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय किशोर की हत्या उसके सगे बड़े भाई विकास ने ही की थी। हत्या के खुलासे के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि 26 दिसंबर को बाबा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम वन गांव में 14 वर्षीय बालक का शव जंगल में मिला था। मृतक सुभाष भैंस बांधने के लिए घर से निकला था, जिसका शव शाम को बरामद हुआ था। वहीं थोड़ी ही दूर पर खून से सना जैकेट को पुलिस ने बरामद किया था, जिसके बाद पुलिस कातिल का पता लगाने में जुट गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर ने खुलासा करते हुए बताया कि 14 वर्षीय किशोर सुभाष की हत्या उसके ही बड़े भाई विकास ने की थी। हत्या की वजह बना मृतक के बड़े भाई विकास का अवैध संबंध। दरअसल आरोपी विकास का गाँव के ही किशोरी के साथ अवैध संबंध था। उन दोनों को मृतक सुभाष ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और घर पर बताने की धमकी देता था, जिसके बाद आरोपी विकास ने ही भाई को जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजा और पीछे से हथौड़ा लेकर गया और सिर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी थी। एसपी ग्रामीण ने बताया कि अभियुक्त के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद किया गया है। अभियुक्त के द्वारा पहनी गई जैकेट, जिस पर खून की छींटे थे, उसको भी बरामद किया गया है। वहीं सख्ती के साथ पूछताछ में मृतक के बड़े भाई विकास ने अपना जुर्म कबूल किया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। 26 दिसंबर को थाना बाबा बाजार में ग्राम बनगांव में एक 14 वर्षीय बालक का शव हमें जंगल में मिला था। जानकारी करने पर यह पता लगा कि बालक सुबह 8 बजे से घर से गायब था, भैंस बांधने निकला था। परिजन उसको ढूंढ रहे थे और उसका शव शाम को बरामद हुआ था। हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। घटना का अनावरण के लिए हमने टीमें लगाई। आज हमारी जो टीमें काम कर रही थी अनावरण की दिशा में, उनको सफलता प्राप्त हुई है। आज घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। मृतक का नाम सुभाष था और जो घटना जिसने कारित की उसका नाम विकास है। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। घटना के मोटिव के विषय में जानकारी ये हुई कि जो अभियुक्त है उसका गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। मृतक के ये अभियुक्त के भाई ने, मृतक ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था मिलते हुए, और वो इनको इसको धमकी दे रहा था कि हम घर में बता देंगे, सबको गांव में जानकारी हो जाएगी। अभियुक्त ने इसी के चलते मृतक को जंगल में भेजा लकड़ी लाने के लिए। मृतक जब जंगल में लकड़ी लाने गया तो पीछे से अभियुक्त घर से हथौड़ा लेकर वहाँ गांव जंगल में ही गया। वहीं पे जाकर उसने इसकी हत्या कारित कर दी। और मृतक अभियुक्त की निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयुक्त हथौड़ा है वो भी बरामद कर लिया है, और जो उस समय इसने जैकेट पहन रखी थी जिसपे खून के निशान हैं, तो वो भी हमने बरामद कर लिया है और आगे कार्रवाई की जाएगी।